हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कटे मसाले का गोश्त। ये देखिए, मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है और दो टमाटर लिए हैं, चार प्याज बारीक काट लिए हैं, बारीक इतनी बारीक भी नहीं काटी, इस तरीके से कटी हुई है। कटा हुआ लहसुन है ये 8-10 कली, और दो हरी मिर्चें हैं कटी हुई, और ये इसमें थोड़ा साबुत धनिया है, जीरा है, साबुत मिर्चें हैं दो टूटी हुई, लौंग और काली मिर्च है, और बड़ी इलायची है एक, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है और इस पे कुकर रख दिया है, और इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी, 1 चम्मच, थोड़ा 1.5 चम्मच डाल देंगे। अब तेल गरम होने देंगे। ये तेल गरम हो गया है मेरा। अब इसमें मैं ये सब खड़े मसाले डालूंगी। ये तेज पत्ता भी ले लिया है मैंने। ये सब खड़े मसाले ऐसे डल जाएंगे सभी। हल्का सा ही चटकेंगे, हल्का सा ही चटकेंगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाएंगे। ये प्याज मैं ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का गुलाबी होने तक ब्राउन करूँगी मैं इसको। ये देखिए, ये मेरी प्याज फ्राई हो गई है, ये हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ये गोश्त डाल दूँगी। अब लहसुन डाल दें, ये टमाटर डाल दिए हैं, और ये आधा मिर्च, आधा पीसी हुई 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च और नमक भी डाल दिया मैंने इसमें, और ये हरी मिर्च डाल दी। और ये 1-2 चम्मच दही भी हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेगा, 1-2 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि टमाटर भी डाले हैं मैंने इसमें। और अब मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए, ये सब मसाले भून रहे हैं, और ये गोश्त भी भून गया है, और ये मसाले भी भून रहे हैं। अब मैं इसको गलाने के लिए 1/2 गिलास पानी डालूंगी और 1 सीटी लगाऊंगी, और उसके बाद 1/2 घंटे तक धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी, और ये मसाले भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। मैं 1 सीटी लगाऊंगी। हेलो, हाँ ये देखिए, ये प्रेशर खोलने के बाद 1/2 घंटा गलाने के बाद गोश्त को ये भुन गया है, और ये इस तरीके से मेरा कटे मसाले का गोश्त अब बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें पानी भी रख सकते हैं, सूप भी रख सकते हैं थोड़ा सा, और भुना हुआ भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने सर्व कर दिया है, और इसमें मैंने ये हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए, मेरा खट्टे मसाले का गोश्त तो तैयार है। आप लोग बनाकर देखिएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।